सीधा रुख करते हैं पन्ना का, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पन्ना वासियों को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। और गुरु प्राणनाथ और महाराज छत्रसाल, उनकी जोड़ी को कौन नहीं जानता। और गुरु ने ही कहा था, ये छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जिद जिद घोड़ा पग धरे, उत उत फतेह होए, और कई कहते हैं उत उत हीरा होए। ये अद्भुत धरती है मित्रों। और विजेंद्र भैया बता रहे थे अभी त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान राम सुतीश्वर सारंग मुनि के आश्रम में सारंग में आए थे। पांडव फाल इतने अज्ञातवाद के भी कछु दिन उन्हें बिताए थे पांडवन ने। धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी, पर्यटन की नगरी, हीरों की नगरी, धर्म की नगरी, आनंद की नगरी, ऐसे पन्ना धाम को बारंबार प्रणाम, मामा का बारंबार प्रणाम। और एक बधाई और हम दे रहे हैं भैया, अब हम जब मुख्यमंत्री बने तो कोरोना आ गया, बनने के पहले ही फैल गया, कमलनाथ भैया पल्ले छोड़ गए। अब हालत यह थी कि ना तो कहीं इलाज की व्यवस्था थी, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, प्रबंध नहीं, और आते ही हमें कोरोना से जूझना पड़ो। पन्ना की जनता को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, हमारे लोकप्रिय नेता और आपके सुयोग्य सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जो दिनों रात इस क्षेत्र के विकास की चिंता भोपाल में भी करते हैं और दिल्ली में भी करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। भाई विजेंद्र जी जो मेरे मंत्री हैं, उत्साही है, उनने कई मांगे वैसे जो कछु दे दे, लेकिन इत तो मांग लोग दे ही नहीं पाए। भाई विजेंद्र जी, डॉक्टर प्रभुराम जी कई सौगातें लेके आए हैं। अच्छा, जब पहले भी आए थे जब बे थे कमलनाथ, अब कमलनाथ हमरो एग्रीकल्चर कॉलेज ही चोरी कर गए। अरे कर गए कि नहीं कर गए बताओ तो, लेकर चले गए। अच्छा, जब जब भी हम कहीं जाते हैं, वे तो कहीं आए जात नहीं है, ट्वीट करते हैं ट्वीट और मुझे गाली देते हैं। ट्विटर मास्टर है, जनता में नहीं जाते। आया पन्ना क्लियर कुछ नहीं है, अच्छो लगो का बुरो लगो, अरे सब ही बताओ भैया, अच्छो लगो का बुरो लगो, लेकिन उन्हें बुरो लग रहा हूं। वहां से ट्वीट कर रहे हैं, काहे जा रहे हैं, अरे जे हम जिसमें जनता की सेवा की दम होगी वो ही जनता के बीच में जाएगा। अरे कमलनाथ, तुम तो सुनवे ही नहीं आते का। लेकिन मैं धन्यवाद की बात कर रहा था। भाई राम किशोर जी हमारे प्रभारी मंत्री, नंद किशोर जी और भैया प्रहलाद लोधी, जरा ताली बजा के स्वागत करो, कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं स्वस्थ रहे। अस्पताल में भी मैं रोज बात करता था कि हिम्मत मत हार जाना प्रहलाद, तुम्हारे साथ भगवान भी है, और तुम चिंता मिंता मत करियो पवई की,
अबे आराम आराम करो, मामा चले जाएंगे, पवई देख आएंगे, चिंता मिंता की बात मत करो, सभी काम करें, बस स्वस्थ रहो, कल परसों से फिर बुखार आ गए। अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। रायपुरा में तुमने कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो भी बना दें और कॉलेज भी खोल दें, चिंता फिंता मत करो, तुम आराम से बैठो। भाई राम बिहारी चौरसिया जी हमारे अध्यक्ष, रविराज जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, बागरी जी हमारे पड़ोसी क्षेत्र के विधायक। बागरी जी हमको बेईमानी मेईमानी नहीं कर रहे थे यार, अब जब विजन तो जब कमलनाथ आए थे तुमने जब कुर्सी नहीं दी थी बैठने, आप बैठो आराम से, चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय गोरेलाल जी, पूर्व विधायक भाई महेंद्र सिंह बागरी जी, आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, बाबूलाल यादव जी, हमारी शान भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से जयप्रकाश जी, बाबूलाल जी, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता नेता हमारे, सदानंद जी, गौतम पूर्व जिलाध्यक्ष माधवेंद्र सिंह परमार जी, रामोतार पाठक जी, आशुतोष महदेले जी, आशीष तिवारी जी, आशा गुप्ता जी, सुधीर अग्रवाल जी, उषा सोनी जी, शोभा सिंह जी, सीमा पाल जी, अब भरो पूरे मंजे, अगर सभी को नाम लें तो फिर बहुत देर हो जाए। अया पन्ना में बहुत धीरे होते हैं, एक मैंने उठा लिया, ये सत्येंद्र खरे को मेरे ओएसडी है, अभी जितना जनसंपर्क काम करता है उतना अकेले ही कर लेता है। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों और भाइयों, मैं जिला प्रशासन को भी बधाई दे रहा हूं। एक समय ऐसा था जब मैं पन्ना में कोरोना फैलने पर बहुत चिंतित थी, बड़ी संख्या में केस आ गए, लेकिन पूरी तत्परता के साथ कोरोना वॉलंटियर मेरे खड़े, कोरोना वॉलंटियर्स ने, आप सबने मिलकर काम किया, और आज मुझे बताते हो खुशी है। देखो भैया, कोरोना से हमें होशियार रहना है, ये बड़ी चोर बीमारी पता नहीं कब कितने से कुछ जाए, और ये सावधानी पूरी, मास्क भी लगा के रखना है, और वैक्सीन इसका सबसे बड़ा उपाय है, टीका। बताओ भैया कौन कौन ने टीका लगवाया, जरा हाथ उठाओ, पीछे दाएं बाएं सभी ने लगवा ले। अभी मुझे जानकारी दी 2000 लोग बचे हैं भी पन्ना जिले में, पन्ना शहर में पूरा हो गया है, पन्ना की जनता को बहुत बधाई। पन्ना के बाद और कौन से ब्लॉक में पूरा हो गया 100%? कहाँ है कलेक्टर, कहाँ पूरा हो गया? पूरे जिले में 2000 बचे हैं। ये कलेक्टर का मिस्टर कह रहे 2000 बचे, झूठ मूठ मत बोलियो भैया, आज हो जाएगा, 300 जगह लग रहे, आज जीरो हो जाएगा। 2000 बचे हैं, तो आओ हम सब संकल्प लें कि जो लोग बचे हैं उनको भी टीका लगवा के, ये जिंदगी का टीका अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उनका ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें, और अपन सभी टीका लगवा लें। जो बच गए ढूंढ ढूंढ के लगवा देना, मीडिया के भैया हो, तुमसे भी कह रहा हूं, आपने भी बहुत सहयोग करो उससे, तो सभी को टीका लग जाए तो कोरोना से सुरक्षित हो जाए। अब कोरोना तो सिटी स्कैन की मशीन ही नहीं थी पन्ना में, आज मुझे खुशी है मेरे आने के पहले सिटी स्कैन की मशीन आ गई, आज उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और अपने पन्ना का अस्पताल, मुझे बताया कि नहीं, बिल्डिंग में थोड़ा बहुत काम बचा तेजी से हो गया, मैंने कहा देखो भैया मैं आज देखने जाऊंगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, देखवे एक नजर मार के देखेंगे अध्यक्ष जी के साथ। और उस समय हम संकट में थे, लेकिन हमारा संकल्प है 300 बिस्तर का बहुत व्यवस्थित अस्पताल पन्ना की धरती पर हमको खड़ा करना है,
जो कोरोना की लहर के मुकाबले में भी सक्षम हो लेकिन बाकी भी बीमारियों का इलाज करे। आज पन्ना की इस धरती से आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम जी भी हैं और उनकी टीम भी है, आदरणीय अध्यक्ष जी हैं बीडी शर्मा जी और विजेंद्र जी भी हैं और नानू कावरे हैं अपने, या आयुष वाले मंत्री हैं काढ़ा जी ने भी खूब पिलाओ। आज पूरे सागर संभाग के कई, मैं बता नहीं रहा क्योंकि अभी प्रभुराम जी ने बताया, कई स्वास्थ्य सुविधाओं का आज उन्नयन करने का काम हुआ है और अकेले सागर संभाग में अगर देखें तो पन्ना 300 बिस्तर का अस्पताल, टीकमगढ़ भी 200 से 300 बिस्तर का, निवाड़ी 60 से 100 बिस्तरों का, बड़ा मलेरा 50 बिस्तर का, पन्ना के पवई का भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने का फैसला किया है, 50 बिस्तर का वह अस्पताल। सागर के सामुदायिक केंद्र बंडा का 50 बिस्तर का, राहतगढ़ का 50 बिस्तर का, छतरपुर के महाराजपुर का 30 बिस्तर का, छतरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतगुवा का 30 बिस्तर का, टीकमगढ़ में बमोरी कला का, अलग अलग जगह में पूरे नाम नहीं बता रहा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ तीनों गुन्नौर सहित, गुन्नौर में भी कई उप स्वास्थ्य केंद्रों को हमने प्रारंभ किया है और उन्नत भी कर रहे हैं, हमने फिर से इनको उन्नयन करके स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोतरी की है, ऑक्सीजन प्लांट के भी शुभारंभ हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कसर नहीं रखेंगे। और सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ तो अस्पतालों का उन्नयन, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रदेश के किसी भी चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में जो इस योजना में शामिल होगा, एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का फ्री में करवा के दिया जाएगा। अब यहां कितने आयुष्मान कार्ड बने बताओ भैया? 3,57,000। भैया हमारी बात सुन ली हो रे? आयुष्मान कार्ड का मतलब, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन अगर बीमार हो गए तो सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, पूरे प्रदेश में 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज एक साल में फ्री में करवा के दिया जाएगा। अब गरीब को क्यों प्राइवेट अस्पताल में इलाज ना मिले? सरकारी में जगह कम पड़ जाती है। अभी मैं पूछ रहा हूं कमिश्नर से, कितने 3 लाख, कितने 3,57,000 आयुष्मान कार्ड पन्ना जिले में बने हैं अभी, मतलब 3,57,000 लोग इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित हो गए हैं। भगवान कोई को बीमार ना करे, लेकिन यह बड़ी सौगात है कि अगर बीमार हो गए तो फ्री में इलाज होगा। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रचार प्रसार करो रे भैया, आपको पता ही नहीं कि आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है। शिविर लगवाएं, हर मंडल में शिविर लगे, आदरणीय बीडी शर्मा जी कह रहे हैं, कार्यकर्ता साथियों जुड़ जाओ रे भैया, क्योंकि पता चले लोगों को तो उनका इलाज अपन करवाए। देखो मध्य प्रदेश की धरती पर बिना इलाज के किसी गरीब को रहने नहीं दिया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों। भगवान करे बीमारी हो ही नहीं, और हो तो ढंग से इलाज हो। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बोलो होना चाहिए कि नहीं? और सुन लें कलेक्टर और कमिश्नर,
अगर कोई जायज व्यक्ति छूट गए हो तो कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी है भैया, बताओ अपने काम वोट ही मांगो थोड़ी है, जनता की सेवा भी अपने काम है। तो छूट गए हो, पात्र हो, गरीब हो तो जुड़वाना है ताकि सबको लाभ दे सके। देखो मेरे भैया और मेरी बहनों, प्रधानमंत्री अपने मोदी जी, उनसे अच्छे प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते। आज वो अमेरिका में भारत के संदेश को पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चाहे दिल्ली में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, एक ही लक्ष्य, जनता की बेहतर सेवा करना। और कुछ चीजें आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य है रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम करना। और इसलिए रोटी भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। बताओ रोटी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे तक बोलो, अपन बात कर रहे हैं भैया, चाहिए कि नहीं चाहिए? पहली चीज है रोटी, और रोटी के लिए चाहिए राशन। और पहले जब कांग्रेस के जमाने थे तो 30 दिन की मजदूरी में ही राशन ही भराता था, बाकी क्या बचता था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनाई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और तय किया कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए। इसलिए सब गरीब, कोई जाति समाज के हो, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक दिया जाएगा, 1 रुपया किलो राशन। अब मैं पूछ रहा हूं, यहां 1 रुपया किलो राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? 1,80,600। अब मैं भरी परिवार है, अच्छा मैं भरी सभा में पूछ रहा हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं जो गरीब है और जिनके पास राशन कार्ड है, यहां कई परिवार आए होंगे ऐसे, बताओ 1 रुपया किलो जिनके पास कार्ड है राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे जोर से बताओ रे भैया बहनों, मिलता है कि नहीं? अब ज्यादातर लोग बोल रहे हैं मिलता है, लेकिन चेक कर लेना। देखो भाई, ये प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है रे, वैसे कहीं भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा, लेकिन चेक कर करके। अभी आज खबर आई गुना में, हथकड़ी डलवा दी मैंने, जो राशन पार कर रहे थे, तो बता देना सबको कि मामा हथकड़ी डलवा देगा। नहीं भैया, गरीबों का राशन कोई ने खाया तो बताओ हथकड़ी लगना चाहिए कि नहीं? और इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, यहाँ खुशी की बात है अधिकांश को मिल रहा है, क्योंकि विजेंद्र जी भी बैठे हैं, हमारे विधायक साथी भी बैठे हैं, देख रेख करो रे भैया, सबको रोटी। और प्रधानमंत्री जी नवंबर तक फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो प्रति व्यक्ति तक, प्रति व्यक्ति नवंबर तक फ्री प्रधानमंत्री जी ने तय किया, ताकि कोरोना की दिक्कत से निकल जाए। अब रोटी की व्यवस्था हो जाए तो मेरे गरीब बहनों भाइयों बताओ, रहने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? अभी विजेंद्र भाई बता रहे थे कि बहुत दिनों से बंगाली परिवार आया, उन्हें पट्टा ही नहीं है। देखो भैया, अपना साफ कहना है रे, भगवान ने इतना हक तो दिया अपन को कि जिस जमीन पर रह रहे हैं वो जमीन हमारी हो, रहने की जमीन के पे अधिकार सबका। और इसलिए बंगाली परिवारों को तो जमीन दे नहीं है, पट्टे दो, कार्रवाई पूरी करो। और सुनो रे पन्ना के गरीब बहनों और भाइयों, जिले के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा, किसी को बिना पट्टे के नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। दुनिया में आए हैं तो इतनी जमीन तो चाहिए,
मेरी वरिष्ठ नेता बैठे हैं और अफसर भी है, करो भाई सर्वे। उस दिन पृथ्वीपुर में गया था, वहां सहरियाओं को और उनको जमीन बता के आया था, हो जाए पट्टे फट्टे कोई। और ये बुनियादी हक है गरीबों का, सरकार चलाने वाले समझ लें, बुनियादी अधिकार रहने की जमीन का पट्टा चाहिए नहीं। कल उनने नोटिस दिया, कल इसने कहा हटा दो, कल वाने की भगा दो, ये नहीं होगा। पन्ना में सर्वे करो, जितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, कहीं रह रहे हैं टपरिया फपरिया बना के और वहीं दादागिरी हो रही उनसे, ऐसे लोगों को पट्टा दे के मालिक बनाना है, समझ गए कलेक्टर साहब, बनाना है। यह अभियान चलेगा और जिनके पास बिल्कुल है ही नहीं तो सरकारी जमीन देखेंगे भैया, प्लाट काटेंगे देंगे भाई, काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, काहे के लिए मामा मुख्यमंत्री, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए पहले पट्टे, और पट्टे के बाद एक साथ नहीं मिलेंगे अरे बहनों और भाइयों, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% पैसा वो देते हैं, 40% पैसा हम देते हैं, राज्य शासन देते हैं, चरणबद्ध तरीके से पट्टे के बाद मकान भी बनवाया जाएगा, मकान भी बनवाया जाएगा। अभी कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने बताओ हमें, ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 और शहरी क्षेत्र में 500। अभी ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 मकान बने, 46,000 और शहरी में 5,000, अब बचे कितने भैया ये बताओ आवास प्लस में, हिसाब किताब बराबर रखो यार कलेक्टर। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं, तो अपनी टीम है, मैं तो साफ साफ बात इसलिए कर रहा हूं कि कहीं गैप है तो पता चल जाए। अब जितने गरीब बच गए, आवास प्लस का सर्वे चाहिए हुआ कि नहीं पन्ना जिले में, तो आवास प्लस में कितने आए, 80,000 और आए। अब 80,000 को चरणबद्ध तरीके से देना है, तो वो पूरी लिस्ट बन जाए, पंचायत में चिपका दो, बढ़िया किया है, सबको पता चल जाए, क्या भैया ठीक है कि नहीं। अब ये जिंदगी बदलने का अभियान, लोगों मकान बने तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे। एक बात और मेरे भैया अपने अध्यक्ष जी बीडी शर्मा जी कह रहे थे, और वो बात है बच्चों की पढ़ाई की। अब भैया बड़े बड़े आदमियों के मोड़ा मोड़ी समझ गया का नहीं, बेटा बेटी अब वे तो पढ़ जाए पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, गरीब के क्या करें, किसान के क्या करें बताओ। और एक नई योजना बनाई जिसका जिक्र आदरणीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, नए स्कूल और हम खोलेंगे जिनका नाम है सीएम राइज स्कूल, ताली बजाना तो अच्छे से बजाओ, काहे को पुछ बजा रहे, और इनका मतलब समझा रहा हूं मैं, इनका मतलब है अभी एक ब्लॉक में एक खोल रहे हैं, अब ये तो भैया अब अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, बिरजैन जी है सब, तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है, लेकिन इन स्कूलों में क्या होगा ये बता रहा हूं। अभी हम 300 खोल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इसी साल, एक स्कूल की बिल्डिंग बनाने में लगेंगे 18 से लेकर 24 करोड़ रुपया, और एक ही गांव के बेटा बेटी नहीं पढ़ेंगे,
आसपास के 20-25 गांव के बेटा बेटी कैसे आएंगे? जैसे बड़े आदमियों के बेटा बेटी जाते ना बस में बैठ के आराम से, तो अब सड़कें तो हमने अच्छी बनाई दी, बना दी कि नहीं बना दी, ईमानदारी से बताओ जरा। अरे जोर से बताओ, बना दी कि नहीं? पहले बताओ जरा, अजयगढ़ से आते थे पन्ना कितने घंटे लगते थे? अरे कितने लगते? और अब कितने लगते? और अगर सतना देवेंद्र नगर से आओ तो कितने लगते? अरे याद करो भाई, जमाने रे भैया हो, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। कमलनाथ बताएं, दिग्विजय सिंह बताएं, उमेश गहरे 6 घंटा लगते थे। गाड़ी खाए हिच कोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। ये कांग्रेस की सड़कें थी, अब तो भन्नाट सड़कें बना दी। और इसलिए अगल बगल से बस में बैठेंगे बच्चे, स्कूल में उतरेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, शाम को वापस जाएंगे। और गणित के, अंग्रेजी के, विज्ञान के टीचर रहेंगे, प्रशिक्षित टीचर। बताओ गरीब के बेटा बेटी को भी अंग्रेजी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना, तेरे बच्चों की भी तकदीर बदलेगी, अब तेरे बच्चों की भी तकदीर बदलेगी। ये सीएम राज स्कूल में वैसी पढ़ाई होगी। इस साल 301 ब्लॉक में एक, यहां 2, ककरेटी में अलग से दिया है, और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में। बोलो सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ भैया सही है कि नहीं, ताकि बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़े। पन्ना जिले में 159, पन्ना जिले में 159 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। 3 चरण में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। जिंदगी बदलना मकसद है रे बहनों और भाइयों। अरे हम तो हट हटू गए थे 18 के बाद, लेकिन पता नहीं प्राणनाथ प्यारे की क्या कृपा हुई के सवाई साल में फिर वापस आ गए। आ गए तो कुछ करके जाओ। और एक बात और, पढ़ाई के साथ साथ दवाई की मैंने चर्चा की थी, लेकिन उसके साथ साथ टारगेट है रोजगार। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, बेरोजगारी की भयानक समस्या है। हमने हर महीने रोजगार मेला लगाने का फैसला किया है। रोजगार मेला सरकारी क्षेत्रों में भी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी। आदरणीय बीडी शर्मा जी बता रहे थे, विजयन जी ने जो मांगे की, कई मांगे रोजगार से संबंधित थी। और इसलिए चरणबद्ध रूप से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी कैसे रोजगार के अवसर बढ़ें, अकोला बफर खोल के और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पन्ना नेशनल पार्क के समीप सकरिया, बगोना, तारा, इनकी 66 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। यहाँ रिजोर्ट, एरो और एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का वृहद कैंपस स्थापित किया जाएगा। और जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, पन्ना में हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। अभी हवाई पट्टी केवल बड़े आदमियों के लिए नहीं है, टूरिस्ट आएंगे। खजुराहो से काहे को लौटो, हमारे पन्ना धाम आओ, मंदिरन के दर्शन करो, टाइगर देखो। और टाइगर जैसे यहां दिखते हैं, पिछली बार में आया था, थोड़ा चोरी चोरी चुपके चुपके आया था,
लेकिन हम सड़क से जा रहे थे, वहीं टाइगर महाराज खड़े थे, कह रहे थे हाथ मिला लो हमसे। ये टाइगर रोजगार का भी बड़ा साधन है, तो उसको भी देखने आए। और फिर पन्ना और के मंदिरों के दर्शन के लिए हम सोच रहे हैं टेम्पल वॉक प्रारंभ करेंगे। आप मंदिर से मंदिर तक कैसे पैदल जाए, वहां अलग अलग तरह की संस्कृति के हमारी दर्शन भी हो, अलग अलग दुकानें भी हो, और घूमते हुए अपने चारों पांचों मंदिर के दर्शन करके अपनी जिंदगी को धन्य बना लें और रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएं। ये हम स्थापित करेंगे और जिले के गांव को हम मध्य प्रदेश होम स्टे योजना में भी सम्मिलित करेंगे। गांव देखने का भी बड़ा चार्म है। अब यहां मुझे पता चला एक बहन जी विदेश की, एक विदेश की बहन जी आसपास ही, वो ट्रेनिंग देती है। कौन सा गांव? चंदवार में। अब वो कौन सी स्केटिंग सिखा रही? अब देखिए ऐसे कई चीजें की जा सकती है। तो एक, रोजगार के अवसरों में कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, एक साल के अंदर 1,00,000 सरकारी नौकरियों में भी भर्ती की जाएगी, ताकि पढ़े लिखे कई बच्चों को उनमें भी रोजगार मिल सके। और जैसा कहा अध्यक्ष जी ने और विजेंद्र जी ने, पन्ना हमारे यहां कटिंग पॉलिसी दूसरी जगह, कटिंग पॉलिसिंग, और इसलिए यहां डायमंड क्षेत्र या पार्क की स्थापना करने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है, ताकि उस काम को हम यहीं कर सकें। यह रोजगार का विषय। मेरी बहनें स्व सहायता समूह की बैठी है, बैठी है क्या स्व सहायता समूह की बहनें? हो तो हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह की बहनें हाथ उठाओ। वो देखो हाथ उठ रहे हैं। इन बहनों में बहुत क्षमता है। यहां कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। देखो भाई इनकी ट्रेनिंग, इनकी बैंक लिंकेज, इन बहनों को कई तरह के काम हमने अलग दिए हैं। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म अब बहनें सिलेंगी, ठेकेदार के खाते में क्यों पैसा जाए? यहां यूनिफॉर्म सिलाई का काम दिया कि नहीं दिया? क्यों बहनों, स्कूल की ड्रेस की सिलवाई का काम मिला कि नहीं मिला? ये जरा देख लेना, ठेके वेकेदार को मत दे देना भाई। ये मेरी बहनें सिएंगी। और सुनो मेरी बहनों, आगे से पोषण आहार बनाने के कारखाने भी ठेकेदार नहीं, ये स्व सहायता समूह की बहनें चलाएगी। कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है और यहां पर आधारित चीजें बना के उनकी बिक्री करके अलग अलग तरह की चीजें आपके रोजगार में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि 10,000 रुपया एक बहन की आमदनी होना चाहिए कम से कम, ताकि उनका परिवार ठीक से चल सके। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, ये कमलनाथ दादा, दिग्गी राजा, ये बैठे बैठे ट्वीट फटकारते रहते हैं, लेकिन ये खा गए थे किसानों का फसल बीमा योजना का पैसा। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2,200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों के खाते में पिछले साल 9,000 करोड़ रुपया से ज्यादा फसल बीमा योजना के डाले थे। अब भी कसर नहीं छोड़ूंगा। 0% ब्याज पे फिर से कर्जा। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने तय किया किसानों को सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दिए जाएंगे। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना था, दिल ने कहा मामा तू भी तो चौथी बार बन गया, अरे प्रधानमंत्री 6 दे रहा है, 4 तू भी डाल दे, कम से कम 10,000 तो हो जाए। अब ये 10,000 रुपया बड़े किसानों के लिए बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, बताओ भैया 10,000 रुपया मिलना ठीक है कि नहीं? जोर से बोलो गरीब किसानों, छोटे किसानों, ठीक है कि नहीं? अब कई तरह के काम चल जाते हैं।
कोई नाम आम तो नहीं छूट गया भाई? सबके जुड़े कि नहीं जुड़े? अब ये देख लेना, कुछ कुछ लोगों के छूटे हैं। अब नगरी क्षेत्र की प्रॉब्लम है दूर का, मैंने पृथ्वीपुर में पकड़ लिया था, इतनी भीड़ में पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए कोई रह गया हो तो भैया जुड़वा देना, 10,000 रुपया ये किसानों को, जो रह गए हो उनका। यहाँ कितने किसानों को, एक मिनट जर, कितने किसानों को मिल रहे हैं, कितने किसानों को मिल रहे हैं, यहाँ कितने किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही? 1,30,000। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 1,30,000। अगर कोई खातेदार छूट गया हो तो उसका भी नाम जोड़ के छूटे हुए को जोड़ लेना, ताकि हर किसान को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो। कांग्रेस के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं थी। ये विजेंद्र जी बैठे, रुंज परियोजना, उस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक और मजगाएं, जिसका काम में दिक्कत आई थी यूपी से बात करके, वहां भी काम चल रहा है। और आज मुझे अलग अलग और छोटी योजनाओं के ज्ञापन मिले हैं। पन्ना जिले के किसान भाइयों और बहनों, अपने अध्यक्ष के सामने और अपने सारे जनप्रतिनिधियों के सामने मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां उपलब्धता है पानी की, बाकी सिंचाई की योजनाओं पर भी हम तेजी से काम करके किसान की जमीन सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पानी है तो खेती है, बिन पानी सब सून। और इसलिए समाज का हर वर्ग, एक बात और सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बेटा बेटी, भांजे भांजी, अगर पढ़ने में तेज हैं तो किसी भी जाति और समाज के हों, वो सामान्य वर्ग के हों, वो पिछड़े वर्ग के हों, वो एससी हों, वो एसटी हों, अगर प्रतिभाशाली हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, बड़े किसी शिक्षण संस्थान में जहाँ फीस 5-10 लाख रुपया साल भी है, तो ध्यान से सुन लेना, उनकी वो फीस उनकी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जिसमें बुद्धि है वो बच्चा पढ़ने से वंचित ना रहे, ये हमारी कोशिश है। और एक बात और, एक आवेदन मुझे मिला है, ये रजिस्ट्री के बाद नामांतरण में देर लगती है, ये देख लेना भाई, नामांतरण के मामले हो, बंटवारे के मामले हो, ये शिविर लगा के हल करो, और नहीं तो इसमें लेन देन की शिकायतें बहुत आती है, ये होना नहीं चाहिए किसी भी कीमत। और इसलिए एक महीने के अंदर अभियान चला के, मैं विवादित की बात नहीं करता, झगड़ा तो अदालत निपटाएगी, लेकिन जो अविवादित है उनको निपटाना है पन्ना जिले में। पन्ना बहुत बढ़िया जिला है, सुशासन का प्रतीक बनना चाहिए, योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। नहीं मिल रहा ये मैं नहीं कह रहा, अच्छा भी काम है, लेकिन जब गैप्स है उसको पूरा भरें। आज जब मैं पन्ना आया तो आने के पहले ही अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि भाई और क्या दे सकते हैं, कई तरह की विकास के कामों की चर्चा की। फिर विजयन जी ने भी करी, और बिस्तर पे थे लेकिन पहलाद भी कर रहे थे लगातार। तो एक बात तो ये कि भैया जो कृषि महाविद्यालय छोड़ा ले गए थे कमलनाथ, जिसकी जमीन और बजट मैंने तय कर दिया था, आज शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कृषि महाविद्यालय को, पन्ना को फिर से लौटाती है। पन्ना के हक में,
पन्ना के हक पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? अब उठा के ही ले गए दादा, बताओ। और दूसरी चीज जो उस समय हमने तय की थी, आदरणीय अध्यक्ष जी, विजेंद्र जी, आप इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक, रोजगार की दृष्टि से जो बेहतर हो आप एक बार विशेषज्ञों से चर्चा कर लीजिए। पॉलिटेक्निक में नए ट्रेड खोलना हो तो वो खोल देंगे, और आपको लगता है इंजीनियरिंग ही चाहिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां एक जिला एक उत्पाद में आंवले को चुना है, छोटे छोटे उद्योग भी आना चाहिए। और इसलिए यहां स्थानीय औषधि के संवर्धन, रोजगार के अवसर, और पन्ना जिले में आंवला आधारित प्रसंस्करण उपाय के इकाई, प्रसंस्करण मतलब आंवले से मुरब्बा बनाना, चूर्ण बनाना, उसकी प्रोसेसिंग भी शुरू की जाएगी। सिंचाई के पानी की बात मैंने की, लेकिन सिंचाई के साथ साथ पीने का पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी पन्ना में कितने दिन में पानी मिल रहा है? अरे बताओ भैया, दो दिन में मिलता है ना। अब वो कहें यहाँ नगर पालिका भी आ जाए और जल जीवन मिशन वाले भी आ जाए, पीएचई वाले इधर आओ भाई, पीएचई से हो आप। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कितनी योजनाएं स्वीकृत है अभी तक? 163। अब जो 163 जो 163 स्वीकृत है उन पर काम शुरू हुआ कि नहीं? भैया सब हैं और आप बैठे हैं, एक बार जरा योजनाओं को चेक करवा लें, ऐसा नहीं कि ये जोड़ तोड़ कर निकल लें। कई बार एक बार बुंदेलखंड पैकेज में पता चला कि स्कूटर से इंटेंट हो गई और उनको भी पकड़ लिया था मैंने। कितने करोड़ रुपया स्वीकृत है बताओ? हैं? 189 करोड़ की कितनी योजनाएं? 113। सुनो रे मेरे बहन और भाई, देखना आपका भी काम है। 189 करोड़ की 113 योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की स्वीकृत की है, जिस पे काम चल रहा है, काम चलना है। अब वो काम सही हो जाए ये जवाबदारी आपकी भी है। गांव में समिति बना दें, दीनदयाल अंत्योदय समिति बन गई क्या? तो बन गई, सबको काम दे दो, देखें एक एक योजना, अपना काम ही है, देखें अपन सब, ताकि गड़बड़ नहीं हो पाए कोई, गुणवत्ता से समझौता नहीं। और सब में पानी आनी मिला है, वैसे पाइप डाल दिए, पानी मिलने के बाद ही पाइप डले, नहीं तो पाइप तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वराज अभियान और तमाम घोषणाएं उन्होंने की है। कहा कि मेरे भांजे भांजियां जो पढ़ने का जिसका मन है उनको पढ़ाया जाएगा, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पन्ना को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये सौगात दी। तो वो मैं देखूंगा, लेकिन यह काम ठीक से चले उसको देखो, ठीक है? और फिर कितने गांव बचे? अब मैं याद कर रहा हूं, 3 साल के अंदर मेरे पन्ना जिले की बहन, स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन, पन्ना से सीएम शिवराज सिंह चौहान जो इस समय संबोधित कर रहे हैं, कई सौगातें दिए हैं पन्ना को सीएम शिवराज की ये सौगात पन्ना जिले को।
अंदर मेरे पन्ना जिले की बहनों जो यहां बैठी है वो भी, और जो मुझे वैसे ही मीडिया के माध्यम से सुन रही हो उनको भी कह रहा हूं, पन्ना जिले में जहां पानी मिल जाए, मिले ही नहीं तो अलग बात है, कोई गांव में पानी मिल जाए तो हैंडपंप की खटर खटर बंद करवा दूंगा, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी दूंगा, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और पानी भरने बाहर ना जाना पड़े। और पन्ना शहर के लिए भी, पन्ना के साथ साथ चाहे पवई हो, चाहे गुनौर हो और चाहे अजयगढ़ हो, ये अजयगढ़ वगैरह कवर हो रहे हैं उसमें, अजयगढ़ कवर हो गया, पन्ना में क्या करना है, ये जल जीवन मिशन में शहरी में आ रहा है, इधर आओ भाई, पन्ना में पीने का पानी परमानेंट योजना क्या है, अभी बनाई कि नहीं बनाई है, अध्यक्ष जी, विजेंद्र जी, आप सब शहरी क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि, एक मिनट आप बैठ जाएं और ठीक से योजना बन जाए। मैं आज ये आपके सामने जनता को आश्वस्त कर रहा हूं कि रोज पानी दे सके, इसलिए चाहे खैरा बांध से पानी की व्यवस्था करना, खोरा से, और चाहे कैन नदी से करना हो, रोज पन्ना को पीने का पानी दिया जाएगा। टाइम लगेगा योजना बनने में, और इसलिए कंसल्टेंट हम अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं भैंसे घोषणा करूं वो ठीक नहीं, कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के वो बताएंगे कहां से पानी लाना ठीक रहेगा, वहीं से पानी लेके आएंगे, पन्ना प्यासा नहीं रहेगा। और उसके अलावा बाकी शहरों की भी जो नगरी क्षेत्र उनकी योजना बन जाए। अब किल किला फीडर की बात अभी कह रहे थे विजेंद्र भाई, ये स्टेट के जमाने का है किल किला फीडर, इससे धर्मसागर में भी पानी आता है, और किल किला से और कहां पानी आता है, धर्मसागर और लोकपाल सागर, इस पे अतिक्रमण हो गए नहीं, जिनका है अगर गरीब है तो वैकल्पिक व्यवस्था कर दो, मैं गरीबों को उजाड़ना भी नहीं चाहता, वैकल्पिक व्यवस्था करके वो अतिक्रमण हटा के और किल किला फीडर कैनाल को फिर से बनाया जाएगा, ताकि धर्म सागर भर जाए। बताओ ठीक है कि नहीं भैया, हो जोर से बताओ यार, ठीक है कि नहीं, ये किया जाएगा। और खौरा तालाब का निर्माण भी 7,73,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा खौरा का, ताकि वो पानी भी आ सके। कुछ सड़कों की बात आई है, हरनामपुरी भुकरी पुल का सुदृढ़ीकरण, गुमानगंज चंदला पहुंच मार्ग, अध्यक्ष जी ने भी एक बात और अभी कही थी, कौन से भाटा का अध्यक्ष जी, हनुमान जी का, हनुमान भाटा की रोड की बात कही है, तो हनुमान भाटा की रोड का भी इस्टीमेट बना लें, ताकि वहां भी मार्ग बनाया जा सके, तो इस पे भी हम लोग काम कर लेंगे, हनुमान भाटा रोड उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। बाकी और अनेकों चीजें अध्यक्ष जी ने जो कहा हमने किया है, और ब्रजेंद्र जी ने, प्रहलाद जी को मैंने आश्वस्त किया कि चिंता नहीं करें, बाकी मित्र भी हम लोग करेंगे। मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि पन्ना में विकास की गति, कड़की में भी, आज जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ी कड़की है, कड़की समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इस समय कोरोना के कारण ज्यादा पैसा खजाने में आए ही नहीं, लेकिन हमने तय किया है कि यह समय बेकार नहीं जाने देंगे, और जरूरत पड़ी तो उधार लेके भी आएंगे, बाद में चुका देंगे बहनों और भाइयों। अरे जनता के लिए उधार ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए, सभी बताओ नहीं, कांग्रेसी फिर चिल्लाते हैं कि उधार ले लिए, अरे ले लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है बाद में चुका देंगे अपन, ये सारे विकास के काम करेंगे। आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबका सहयोग इन विकास के कामों में चाहिए, हमें भी चाहिए, नेतृत्व को भी चाहिए,
आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे तो पन्ना इसी ढंग से विकास की दौड़ में आगे बढ़ता रहे और नंबर एक का जिला मध्य प्रदेश का नंबर एक की बात में आ जाए, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा, पीछे तक बताओ सबका मिलेगा, सबका मिलेगा। तो एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पद्मावती पुरी धाम पन्ना की, जुगल किशोर जू महाराज की, राम जानकी मैया की, बलदाऊ जी की, प्राण नाथ प्यारे की और पन्ना की जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।